दोस्तों बहुत बड़ा एक विवाद हो गया बिहार के अंदर। दोस्तों जितनी भी सरकारी होती है वो साल के शुरू होने से पहले एक कैलेंडर जारी करती है और उस कैलेंडर में बताया जाता है कि साल में किस किस दिन छुट्टी होने वाली है। उसी तरह जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार का, उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया। अपोजिशन पार्टी ने इस कैलेंडर का बहुत ज्यादा विरोध किया क्योंकि उन्होंने कहा कि आप साफ देख सकते हैं कि जो हिंदू फेस्टिवल है उनको ही जो छुट्टियां है वो घटाई गई है और जो मुस्लिम फेस्टिवल है उनकी जो छुट्टियां है वो बढ़ाई गई है। दोस्तों ये जो नया कैलेंडर जारी हुआ है उसमें कोई हॉलीडे नहीं मिलेगा हिंदुओं के फेस्टिवल जैसे कि शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज और जितिया को 2024 में। दोस्तों जेडीक्यू स्पोक पर्सन ने इस मामले पे बात की और ये कहा कि महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, बसंत पंचमी, होली ऑफ दशहरा के जो हॉलीडेज है वो रिटेन किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो फैसला लिया गया है वो बिहार के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लिया गया है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोस्तों यूएसए के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जो बाइडेन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप चाइना पर ट्रैवल बैन लगा दीजिए क्योंकि हाल में ही चाइना में एक नई तरीके की बीमारी फैल गई है और इस बीमारी के बारे में हम लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं है, तो हो सकता है ये जो बीमारी है ये यूएसए में भी आ जाए क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता होगा कि कोरोना कितना ज्यादा फैल चुका था पूरे दुनिया में। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।